वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा। चौथे थ्रो में 88.13 मीटर तक भाला फेंक कर जीता सिल्वर मेडल। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.21 की दूरी तय कर गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी ने बधाई दी, कहा नीरज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। नीरज की जीत पर सीएम योगी ने ट्वीट किया, नीरज चोपड़ा को बधाई दी, कहा नीरज ने इतिहास रच दिया। दिल्ली में आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। बीजेपी के संगठन महासचिव पीएल संतोष मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्यों के कामकाज की समीक्षा होगी। दिल्ली में होने वाली बैठक में 224 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर भी मंथन। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होगी चर्चा। दोनों राज्यों में इसी साल चुनाव होना है। राजस्थान के भरतपुर में अवैध खनन मामले में बीजेपी ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी आज घटनास्थल का दौरा करेगी, नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी। प्रयागराज स्टेशन में नमाज पढ़ने का एक और वीडियो आया सामने। स्टेशन पर कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज स्टेशन पर नमाज पढ़ते वक्त खुल गई ट्रेन। ट्रेन खुलने की वजह से दौड़ते भागते दिखे लोग। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर बोले राजभर, इस तलाक को मंजूर करते हैं, आगे देंगे जवाब। राजभर का अखिलेश पर वार, कहा जो बूथ तक नहीं जीत सकते वो अखिलेश के सलाहकार हैं। राजभर ने कहा हम योगी से मिले तो अखिलेश को बुरा लगा, अखिलेश मुलायम योगी से मिले तो ठीक, हम योगी से मिले तो हमें तलाक। गाजीपुर में सभा के प्रदेश महासचिव पंकज दुबे ने अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा अखिलेश को विरासत में मिली सत्ता। बलिया में अखिलेश की चिट्ठी पर सभा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में दिखा गुस्सा, अखिलेश को जमीनी हकीकत पर राजनीति करने की सलाह दी। अमरोहा में आप नेता मोहम्मद हैदर ने एसपी पर निशाना साधा, अखिलेश यादव को बताया राजनीति का पप्पू। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह का सोनिया गांधी पर तंज, कहा एक बड़ी पार्टी की अध्यक्षा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया और दूसरी तरफ गरीब आदिवासी परिवार से आई द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। जौनपुर में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, सपा नेता की अवैध जमीन पर कब्जा कर बने स्कूल को ध्वस्त किया। आजमगढ़ में डीएम ने 12 लेखपालों का वेतन रोका, जन सुनवाई के दौरान भूमि विवाद रजिस्टर पेश न करने पर कार्रवाई। लखनऊ में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़, पुलिस ने शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में पुलिस की पहल, कांवड़ियों की सेवा करते दिखाई दिए पुलिसकर्मी, श्रद्धालुओं को भोजन परोसते हुए दिखे पुलिसकर्मी। मेरठ में कांवड़ियों को मिल रही खास सुविधाएं, शिव मंदिरों में हाईटेक व्यवस्था, भोजन इलाज सबके पर्याप्त इंतजाम। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान मोदी योगी का क्रेज, शिव भक्त यात्रा पर बुलडोजर कांवड़ लेकर निकले हैं। शिव भक्तों के लिए सीएम योगी की पहल, आज से 3 दिन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, हेलीकॉप्टर से निगरानी के साथ साथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी, आज सहारनपुर मेरठ मंडल से शुरुआत। हरिद्वार में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के दौरान बड़ी लापरवाही, पॉलिथीन शीट की चपेट में आने से बचा हेलीकॉप्टर, काफी नीचे उड़ रहा था हेलीकॉप्टर। लखनऊ में मुहर्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त, ड्रोन से रखी गई शहर की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। फतेहपुर जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए, कहा इंजेक्शन की वजह से गई पिता की जान। पीलीभीत जिला अस्पताल में इलाज के बाद गई आंखों की रोशनी, नेत्र चिकित्सक ने 2 लोगों का किया था मोतियाबिंद का इलाज। लखनऊ के गाजीपुर में 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ 6 अभियुक्त गिरफ्तार, आरोपी पूर्वांचल के धनजी गैंग को हैंड ग्रेनेड बेचने की फिराक में थे। आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, गुजर पार गांव के पास आरोपी को पकड़ा, गैंगस्टर मामले में वांछित था आरोपी। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते रायबरेली में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों को अलर्ट किया गया। कानपुर में महिला ने उड़ाया एक लड़की का पर्स, घटना सीसीटीवी में कैद, पीड़ित लड़की ने दर्ज कराई शिकायत। कानपुर में संदिग्ध हालात में बाप बेटे का फांसी पर लटकता मिला शव, परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए दोनों का अंतिम संस्कार किया, पत्नी ने हत्या की आशंका जताई। बहराइच के रामगांव में एक विवाहिता की हत्या, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी।
काशी विश्वनाथ मंदिर में मारपीट का वीडियो वायरल, जांच के आदेश मिले। पाकिस्तान बॉर्डर पर पिस्टल के साथ पकड़ा गया शामली का रहने वाला परिवार, इलाके में हड़कंप, सुरक्षा बलों ने शुरू की जांच। आगरा में 40 लाख की लूट का सीसीटीवी आया सामने, चार की संख्या में पहुंचे बेखौफ बदमाशों ने कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर वारदात को अंजाम दिया। चंदौली के खंड विकास कार्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का डीएम संजीव सिंह ने निरीक्षण किया, दर्जनों कर्मचारी गायब मिले। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, चंगाई सभा के माध्यम से भोले भाले लोगों को बनाया जाता है ईसाई, कई जिलों में फैला है नेटवर्क। गाजीपुर में नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास, आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना। बहराइच से करोड़ों की चरस और नेपाली करेंसी के साथ गिरफ्तार हुए तस्कर, 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है चरस की कीमत। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में खून की दलाली का मामला आया सामने, खून की दलाली में शामिल लैब असिस्टेंट सस्पेंड, 2 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं निरस्त। कुशीनगर के सराफा व्यापारी पर गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पास से कट्टा और कारतूस बरामद किए। बरेली के फिरोजपुर गांव में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट और पत्थरबाजी के वीडियो वायरल। बहराइच में यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन के शाखा मंत्री ने विभागीय कार्य को लेकर बाबू को दिया फाइल, लेकिन बाबू ने एआरएम के सामने फाइल पटक दी, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। शाखा मंत्री ने कहा कि जब तक बाबू का निलंबन नहीं होगा तब तक आंदोलन चलेगा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया, 8 महीने की गर्भवती महिला को 5 घंटे तक इलाज मिला। हरदोई में वृक्षारोपण अभियान चढ़ा लापरवाही की भेंट, शहर में लगाने के लिए आए पौधे सूख रहे। कुशीनगर में बिजली विभाग की जेई का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, विद्युत कनेक्शन देने के नाम पर जेई ऐंठता था पैसे, हर नए कनेक्शन पर वसूले जाते थे 1,000 रुपए। अयोध्या में दोस्तों का मजाक एक छात्र पर भारी पड़ गया, छात्र ने दोस्तों के मजाक उड़ाने की वजह से आत्महत्या की, सुसाइड नोट में अपने दोस्त वेद प्रकाश का नाम लिखा। अलीगढ़ में शरारती तत्वों का खौफ, शरारती तत्वों ने मंदिर में उत्पात मचाया, 48 घंटे में दूसरी घटना। हाथरस में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित डंपर ने कांवड़ियों को रौंदा, हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत, 2 घायल। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन से फिसला युवक का पैर, पुलिसकर्मी ने रक्षक बन बचाई जान। उत्तरकाशी में हुई तेज बारिश से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, दोनों तरफ फंसे हैं वाहन। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी के महाराजगंज में अलर्ट, भारत नेपाल बॉर्डर पर निगरानी बढ़ी, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। यूपी के महाराजगंज के बिलासपुर गांव में तेंदुए के आने से हड़कंप, वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। कानपुर का बस्ती में रहने वाले युवक की धुन ने लोगों को बनाया दीवाना, टैलेंट के कायल हुए लोग। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कार्यालय छोड़ने की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश, 25 जुलाई को राष्ट्रपति कार्यालय से विदाई। कल संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुआ राष्ट्रपति कोविंद का विदाई समारोह, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर मौजूद रहे। राष्ट्रपति कोविंद के सम्मान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विदाई संदेश दिया, राष्ट्रपति के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति कोविंद को एक स्मृति चिन्ह और संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक हस्ताक्षर पुस्तिका भेंट की गई है। कल खत्म हो रहा है राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम को बड़ा झटका, कड़कर दुमा कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को 2 दिन की ईडी कस्टडी, पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी अस्पताल में भर्ती, लॉकअप में बिगड़ गई थी तबियत। कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अर्पिता चटर्जी को आज ईडी कोर्ट में पेश करेगी रिमांड की मांग करेगी ईडी। ईडी के ऑफिस में अर्पिता चटर्जी की रात कटी है, ईडी ने अर्पिता के घर से बरामद किए रुपए, कागजात और गहने सीज कर दिए हैं। पार्थ चटर्जी की करीबी है अर्पिता मुखर्जी, अर्पिता के घर से बरामद हुए थे 21 करोड़ रुपए। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार, का 18 साल की मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, बाढ़ नहीं चलाती। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के आरोप को निराधार बताया, कहा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा करूंगी, अब कोर्ट में मांगूंगी जवाब। स्मृति ईरानी के पलटवार पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, स्मृति ईरानी ने खुद की थी बेटी के रेस्टोरेंट की तारीफ। दिल्ली के मालवीय नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 10 लड़कियां मिली, 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। जोधपुर में रीट परीक्षा में पकड़ा गया डमी परीक्षार्थी, नकल रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। राजस्थान के डूंगरपुर में रीट परीक्षा में सत्ती महिलाओं के मंगलसूत्र, चूड़ियां, बालों की क्लिप, साड़ी पिन तक निकलवा दिए, कड़ी जांच के बाद एंट्री।
उत्तराखंड में तीन दिन का येलो अलर्ट जारी, आज भारी बारिश की चेतावनी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। 26 और 27 जुलाई को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन के बाद हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार लगी, इलाके में हो रही भारी बारिशों से आम लोगों की परेशानी बढ़ी। भूस्खलन के बाद उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में यातायात प्रभावित, चंबा उत्तरकाशी रोड पर आवाजाही पर असर पड़ा। कोटा में पाड़ाझर पिकनिक स्पॉट पर फंसे लोग, बरसाती नाले में जलस्तर बढ़ने से फंस गए 6 लोग, देर रात तक सभी को रेस्क्यू किया गया। एमपी के राजगढ़ में बारिशों से गिरा 2 मंजिला मकान, हादसे में एक महिला की मौत, जेसीबी की मदद से हटाया गया मलबा। एमपी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिशों से सिंध और चंबल नदी में उफान, नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी। एमपी के खंडवा में लगातार बारिशों से उफान पर नर्मदा नदी, 3.5 मीटर तक खोले गए ओंकारेश्वर बांध के 7 गेट, नर्मदा नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी। एमपी के गुना में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते बच्चों का वीडियो वायरल, रस्सी के सहारे नाला पार करने के लिए मजबूर छात्र। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश, कोडोली में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसा, लोगों ने सुरक्षित जगहों पर जान बचाई। पानी पानी हुई जयपुर, कई इलाकों में सड़कें बनी दरिया, लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलजमाव, बराला नदी भी उफान पर। यूक्रेन में ओडिशा के एक पोर्ट पर रशियन सेना का हमला, यूक्रेन का दावा, हमले में कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। भीषण गर्मी से झुलस रहे यूरोप में जंगलों की आग से मची तबाही, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली और अमेरिका के जंगल भी धधके, आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, हजारों एकड़ में फैल गई आग, बुझाने का काम जारी। इटली के जंगल में लगी आग को बुझाने का कार्य जारी, हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने का काम चल रहा है। रणवीर सिंह की न्यूड तस्वीर पर अबू आजमी ने सवाल उठाए, कहा नंगी तस्वीरें सार्वजनिक करना आजादी है तो हिजाब पहनना क्यों नहीं। एसपी नेता अबू आजमी ने फिर उठाया हिजाब का मुद्दा, कहा हमें आखिर कैसा समाज चाहिए, नंगे जिस्म की नुमाइश करने वाला या बदन को हिजाब से ढकने वाला। रणवीर सिंह के फोटोशूट पर इंदु सेना ने की दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत, रणवीर पर लगाया अश्लीलता फैलाने का आरोप।